नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज 21 अक्टूबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी श्री कृष्ण सिंह की। बिहार केसरी से जुड़ी जानिए कुछ खास बातें। बिहार के पहले सीएम का नवादा में हुआ था जन्म। प्रारंभिक शिक्षा में दाखिला मामले में आगे हुआ बिहार। नीति आयोग की जारी हुई रिपोर्ट। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य में पिछड़ा बिहार। किस्तवार प्रक्रिया से होगा भू सर्वेक्षण। इस प्रक्रिया से नक्शों की बढ़ रही सटीकता। नागरिकों के लिए टोल फ्री नंबर किया गया जारी। अगले 2 साल में नए रूप में दिखेगा मोइनुल हक स्टेडियम। बिहार का इकलौता स्टेडियम जहां हो चुके हैं इंटरनेशनल मैच। एमएमआई फिल्म फेस्टिवल में डिस्पैच को मिली सराहना। मनोज वाजपेयी ने क्राइम रिपोर्टर की निभाई है भूमिका। इस फिल्म को वाजपेयी ने बताया दिल के करीब। जानिए भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर लगे सितारे का क्या है मतलब। क्रिकेट के इस जर्सी के पीछे छिपा है इतिहास। ये सितारे हर भारतीय के लिए गौरव का है प्रतीक। चलिए बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ANM के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर है। ये भर्ती कुल 5272 पदों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में 25 रुपये लिए जाएंगे। उम्मीदवारों के पास ANM की डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए, साथ ही PTA स्कोर कार्ड भी जरूरी है। उम्मीदवारों का चयन रिटन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। प्रदेश में जिन विद्यालयों की बाढ़ से क्षति हुई है उनकी जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों यानी DO से मांगी गई है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने सभी DO को पत्र लिखकर ये निर्देश दिए हैं कि वे 21 अक्टूबर यानी आज ही रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट में बाढ़ प्रभावित विद्यालयों का नाम, UDIS कोड, प्रखंड, क्षति का विवरण और मरम्मती की स्थिति शामिल करनी होगी। इसके अलावा जिन जिलों में बाढ़ नहीं आई है उनके DO को भी अपने विद्यालयों की वास्तविक स्थिति के बारे में स्व घोषणा पत्र देना होगा। इसके लिए विभाग ने एक निर्धारित फॉर्मेट में उपलब्ध करवाया है ताकि सभी जानकारी एकत्रित की जा सके। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे डॉक्टर श्री कृष्ण की। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1887 में बिहार के नवादा में हुआ था। आज़ादी के बाद ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। अविभाजित बिहार के विकास में इनका योगदान अतुलनीय और अद्वितीय रहा है, इसलिए लोग इन्हें बिहार के निर्माता के नाम से भी जानते हैं। इन्हें इनके सम्मान में बिहार केसरी के नाम से भी बुलाया जाता है। वर्ष 1988 में इनकी याद में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया था। 31 जनवरी वर्ष 1961 में ये दुनिया को अलविदा कह गए। आपके पसंदीदा बिहार के सीएम कौन है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना हम सभी के लिए जरूरी है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने भी कुछ जानकारी साझा की है, जहां बताया गया है कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 184 के तहत 1,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने से 1 साल तक की जेल या दोनों ही सजा हो सकती है। इसलिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है। प्रदेश में भूमि सर्वेक्षण को लेकर कई चरणों में करने की तैयारी है, जिनमें से एक है किस्तवार प्रक्रिया। अगर आप इस प्रक्रिया को नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि ये प्रक्रिया भूमि मापने का एक तरीका है, जिसका उद्देश्य खेतों और भूमि के विभिन्न हिस्सों का सटीक मापन करना है। किस्त का मतलब है एक भूमिखंड और वार का अर्थ है माप। किस्तवार के तहत भूमि के नक्शे तैयार किए जाते हैं, जिससे स्वामित्व और सीमाओं का निर्धारण होता है, जिससे भूमि विवादों से भी बचा जा सके। इस प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे नक्शों की सटीकता बढ़ रही है। नागरिकों के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-6215 जारी किया गया है, ताकि वे भूमि मापी से संबंधित समस्याओं या सुझावों के लिए संपर्क कर सकें।
बिहार की शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता के लिहाज से भले ही पीछे है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा में दाखिलों का प्रतिशत 97% है, जो सकारात्मक संकेत है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बुनियादी सुविधाएं देने वाले स्कूलों का प्रतिशत 88.42% है और प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत 79.4% है। हालांकि बिहार का कुल स्कोर मात्र 32 अंक है, जो सबसे कम है। माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 20.5% है, जबकि उच्च माध्यमिक शिक्षा में दाखिलों का प्रतिशत 35.9% है। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा का प्रतिशत भी बहुत कम है। देश में 11 राज्य गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने में आगे हैं, जिनमें गोवा, केरल और महाराष्ट्र शामिल है। ई रिक्शा, मोटरसाइकिल और ऑटो चला रहे नाबालिगों के खिलाफ विभाग एक्शन में आ चुका है। बीते कुछ दिनों में 224 नाबालिग चालकों पर जिला परिवहन कार्यालय के सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें 14,98,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इन सभी की उम्र 18 वर्ष से कम है और वे बिना लाइसेंस के वाहन चला रहे थे। जिला परिवहन कार्यालय के एडिशनल DTO पिंकू कुमार ने बताया कि यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष बिहार में 750 नाबालिग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। अभियान के तहत नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने, हेलमेट न लगाने और बिना लाइसेंस के 3 पहिया वाहन चलाने पर सख्ती बरती जाएगी। इसके अलावा बिना हेलमेट वाले चालकों के लिए भी विशेष जाँच अभियान चलाया जा रहा है। मोइनुल हक स्टेडियम की जर्जर स्थिति को लेकर कई बार सवाल उठे, लेकिन अब जल्द ही ये नए रूप में दिखाई देगा। बिहार का ये इकलौता ऐसा स्टेडियम है जहां अंतर्राष्ट्रीय मैच हो चुके हैं। इसकी जानकारी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने बताया है कि स्टेडियम के पुनर्निर्माण का शिलान्यास 9 में किया जाएगा और इसे अगले 2 साल में पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। हालांकि स्टेडियम की खराब हालत के कारण 26 अक्टूबर से होने वाले रणजी मैच के दौरान दर्शकों को लाइव मैच देखने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। पिछले सीजन में स्टेडियम की स्थिति को लेकर बिहार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। दिवाली का त्यौहार नजदीक है और देश भर में इसकी रौनक देखने को मिल रही है। पटाखों की दुकानें सज गई हैं, लेकिन दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के चलते पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया गया है। अन्य राज्यों में दिवाली पर पटाखे फोड़े जाते हैं और लोग कई बार सस्ते पटाखे खरीदने के लिए विभिन्न स्थानों पर भी जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रेन में पटाखे ले जाना संभव है। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन में यात्रा करते समय पटाखे ले जाना प्रतिबंधित है। अन्य ज्वलनशील सामान जैसे गैस सिलेंडर, तेजाब और नुकीली वस्तुएं भी बैन है। यदि कोई यात्री इन वस्तुओं को ले जाता पकड़ा जाता है तो उसे रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत जुर्माना या 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC ने प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के 40,247 पदों पर भर्ती के लिए संशोधित रिक्ति जारी की है, जो अब 37,943 पद रह गए हैं। ये कमी 2,304 सीटों की है। महिलाओं के लिए निर्धारित रिक्तियों में भी कमी आई है, जो 14,093 से घटकर 12,583 हो गई है। अनारक्षित वर्ग की रिक्ति 10,081 से बढ़कर 15,180 हो गई है। BPSC ने एकीकृत 70वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित करने की घोषणा की है, जिसके लिए 3.5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर है। साथ ही विभिन्न विषयों के अंतिम आदर्श उत्तर भी जारी किए गए हैं, जिन्हें BPSC की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। MAMI फिल्म फेस्टिवल 2024 में फिल्म डिस्पैच के स्क्रीनिंग के बाद इसे काफ़ी सराहा गया। इसमें बिहार के मनोज वाजपेयी ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। 19 अक्टूबर को हुए गाला प्रीमियर में दर्शकों ने इसे प्यार दिया, जिसके बाद फिल्म को OTT पर रिलीज करने की घोषणा की गई। इस फिल्म में पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है, साथ ही खबर जुटाने में आने वाली कठिनाइयों को भी प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का निर्देशन कनु बहल ने किया है और इसमें मनोज वाजपेयी अनुभवी क्राइम रिपोर्टर की भूमिका में है। कनु बहल ने कहा है कि डिस्पैच का निर्देशन करना उनके लिए खास अनुभव रहा है। मनोज वाजपेयी ने भी फिल्म को अपने दिल के करीब बताया है। ये फिल्म जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होगी, जिसमें सहारा गोस्वामी और अर्चित अग्रवाल भी नजर आएंगे।
भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर लगे 3 सितारे भारत के विश्व कप जीत का प्रतीक है। हर सितारा एक विश्व कप को दर्शाता है। पहला सितारा 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीते गए पहले विश्व कप को दर्शाता है। दूसरा सितारा 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में जीते गए दूसरे विश्व कप का प्रतीक है, जब टीम ने श्रीलंका को फाइनल में हराया था। तीसरा सितारा 2023 में भारत द्वारा जीते गए तीसरे विश्व कप को दर्शाता है। सितारे लगाने की परंपरा अन्य खेल टीमों को भी देखने को मिलती है। ये सितारे न केवल खिलाड़ी और प्रशंसकों के लिए गर्व का प्रतीक है, बल्कि युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करने और आने वाले मैचों में जीत के लिए प्रेरित करने का भी काम करते हैं। सिवान में रविवार बदमाशों ने करीब 60 लाख रुपए के गहने ज्वेलरी शॉप से लूट लिए। ये 4 से 5 बदमाश बाइक से आए थे। ये घटना दोपहर 12:45 पर नौतन बाजार स्थित जय मां लक्ष्मी ज्वेलरी शॉप में हुई, जब दुकान में कुछ ग्राहक भी मौजूद थे। प्रमोद और मनोज वर्मा नामक दो भाई इस दुकान को चला रहे थे। मनोज ने बताया कि जैसे ही बदमाश दुकान में घुसे, वे हथियार के बल पर अलमारी में रखे गहनों को लूटने लगे। दोनों भाई अपने घर में जाकर छिप गए। उन्होंने पुलिस को कई फोन किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। थाना प्रभारी उमेश पासवान ने बताया है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों का जल्द पर्दाफाश करने का प्रयास किया जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव द्वारा एन आइडियाज फॉर बिहार थीम पर इनोवेशन समिट 3.0 का आयोजन किया गया था। इसमें तकनीकी विशेषज्ञों और इनोवेशन लीडर्स ने बिहार के उद्योग और स्टार्टअप इकोसिस्टम के पुनरुद्धार पर चर्चा की। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने तकनीक के उपयोग से शिक्षकों की मॉनिटरिंग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से लगभग 6 लाख शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, जिसे गिनीज बुक में दर्ज करने की तैयारी चल रही है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सकारात्मक उपयोग पर भी जोर दिया। GTRI की क्यूरेटर आदिति नंदन ने बिहार में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि बड़े उद्योग यहाँ आ सके। बिहार में शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। आने वाले कुछ दिनों में सुबह के समय कोहरा भी दिखाई देगा। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा आज चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवा के आसार हैं। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री रहने की संभावना है। आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। पूर्णिया पुलिस ने मिल्क के कंटेनर से 6,894 लीटर विदेशी शराब बरामद किए हैं, जिसकी कुल कीमत 80 लाख रुपए है। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। पुलिस ने यूपी की नंबर प्लेट वाले कंटेनर को चेकिंग के दौरान रोका, जिसमें से 767 कार्टन में शराब की खेप मिली है। SP कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि इस कार्रवाई के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी। जाँच के दौरान कंटेनर के ड्राइवर और खलासी से पूछताछ की गई, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर यूपी के निवासी हैं और शराब की ये खेप असम से लाकर मुजफ्फरपुर की तरफ ले जाई जा रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरभंगा एयरपोर्ट लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है, जिसके चलते सरकार ने इसके विस्तारीकरण का निर्णय लिया है। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट के विकास के लिए शिलान्यास किया। विस्तारीकरण के बाद यात्रियों को इंटरनेशनल स्तर की सुविधाएं भी मिलेंगी। CM नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय झा इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े रहे। शिलान्यास के तहत 912 करोड़ रुपए की लागत से सिविल एनक्लेव का निर्माण होगा, जिसमें 14 विमानों की पार्किंग की सुविधा होगी। ये नया टर्मिनल 43 लाख यात्रियों की आवाजाही को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे पर्यटन और रोजगार में वृद्धि होगी। बिहार की 4 विधानसभा सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 25 अक्टूबर तक चलेगी। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। इस क्रम में महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की उपस्थिति में यह ऐलान किया गया। रामगढ़ से राजद के अजीत कुमार सिंह, बेलागंज से विश्वनाथ कुमार, इमामगंज से रोशन कुमार मांझी और तरारी से CPI ML के राजू यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे। उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। एनडीए ने तरारी से भाजपा के विशाल प्रशांत और रामगढ़ से अशोक सिंह को उम्मीदवार बताया है। इमामगंज सीट पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की दीपा मांझी और बेलागंज से जदयू के मनोरमा देवी उम्मीदवार हैं। बेलागंज में मुकाबला रोचक है, जहां राजद ने पूर्व विधायक सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह को उतारा है, जबकि प्रशांत कसूर की पार्टी जनसुराज ने खिलाफत हुसैन को मैदान में उतारा है। मनोरमा देवी जो पूर्व विधान परिषद सदस्य है, इनके पति बिंदी यादव एक बाहुबली नेता थे और हाल ही में एनआईए की छापेमारी में सुर्खियों में रहे थे। उपचुनाव की वजह है कि पिछले विधायक लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद इस्तीफा दे चुके हैं। बोध गया में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत कसूर ने नीतीश की जदयू भाजपा और राजद पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी केवल दिखावे की है, क्योंकि घर घर शराब की डिलीवरी हो रही है। पीके ने आरोप लगाया कि शराब माफिया सक्रिय है और शराब 3 से 4 गुना अधिक कीमत पर बिक रही है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि 3S यानी शराबबंदी सर्वे स्मार्ट मीटर नीतीश कुमार की राजनीति की अंतिम किल साबित होगी। कसूर ने यह भी कहा कि सरकार के अधिकारी शराब माफिया से पैसे रहे हैं और जहरीली शराब से कई लोगों की मौतें हो रही हैं। उनका कहना है कि नीतीश का दावा पूरी तरह से फर्जी है और जमीनी स्थिति अलग है। बेंगलोर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, जिससे कीवी टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा इस हार को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मैच होते रहते हैं और टीम को आगे बढ़ना होगा। बारिश के कारण मैच का पहला दिन धुल गया था। दूसरे दिन भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन न्यूजीलैंड ने 46 रन पर भारतीय टीम को ऑल आउट कर दिया। रोहित ने कहा कि उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय गलत लिया। दूसरी पारी में सरफराज खान और ऋषभ पंत ने 177 रन की साझेदारी की, जिसमें सरफराज ने अपना पहला शतक 150 रन बनाया। रोहित ने दोनों की सराहना की है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभाली थी। आज के दिन वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। आज के दिन वर्ष 1934 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी और जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। आज के दिन वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1954 में भारत और फ्रांस ने करैकल और माहे को भारतीय गणतंत्र में शामिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। आज के दिन वर्ष 2008 में भारत और पाकिस्तान के बीच 61 वर्ष बाद कार्रवाई तेजास शुरू हुआ था। सोशल मीडिया पर एक फर्जी नोटिस सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करते हैं तो आपके बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिजली बिल अपडेट करने के लिए इस पर एक नंबर भी शेयर किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि नोटिस पूरी तरह से फर्जी है। ऊर्जा विभाग द्वारा ऐसे कोई नोटिस जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें, वरना वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही ड्राई स्किन की समस्या भी आम हो जाती है, जिससे त्वचा में खुजली, डैंड्रफ और अन्य समस्याएं होती हैं। हालांकि सही देखभाल से आप अपनी त्वचा को नमी से भरपूर रख सकते हैं। इसके लिए रोजाना भरपूर पानी पिए और सुगंधित साबुन या अल्कोहल युक्त उत्पादों से बचना जरूरी है। सर्दियों में अपने स्किन टाइप के अनुसार बॉडी वॉश का चुनाव करें और नहाने से पहले अच्छे तेल जैसे नारियल या जैतून का उपयोग करें। नहाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना ना भूलें। इसके अलावा दही में हल्दी मिलाकर या बादाम के पेस्ट के साथ फेस पैक भी लगा सकते हैं, इससे त्वचा नरम और मुलायम बनी रहेगी। बिहार की राजधानी पटना में अगले साल मेट्रो सेवाएं शुरू होने वाली हैं और अब दरभंगा में भी मेट्रो रेल चलाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। केंद्र सरकार ने दरभंगा समेत 4 जिलों में मेट्रो के संचालन की घोषणा की थी, जिसके तहत दरभंगा मेट्रो परियोजना के लिए 70,21,000 रुपये की पहली किस्त जारी की गई है। दरभंगा मेट्रो के लिए 4 कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, जिनमें से 2 का सर्वे पूरा हो चुका है। पहला कॉरिडोर दरभंगा हवाई अड्डा से लहरिया सराय तक होगा, जबकि दूसरा भवानीपुर सकरी से शहर तक। इस परियोजना से शहर की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, जाम की समस्या कम होगी और यात्रा सुविधाजनक और सुरक्षित होगी। मेट्रो का काम 2025 के शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है। हम प्रतिदिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है,
बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग प्रदान किया? ऑप्शन ए है महाराजा दरभंगा, ऑप्शन बी है महाराज हथुआ, ऑप्शन सी है महाराज टिकारी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है महाराज दरभंगा। सामा चकवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ऑप्शन है भोजपुर, ऑप्शन सी है मगध, ऑप्शन सी है मिथिला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मिथिला। प्रसिद्ध अजगैबी नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है गया। इसका सही उत्तर है भागलपुर। हाल ही में किसे भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ICC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अमय प्रभु, ऑप्शन बी है राजीव सिंह, ऑप्शन सी है अभ्युदय जिंदल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अभ्युदय जिंदल। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? ऑप्शन ए है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, ऑप्शन बी है जस्टिस राजकुमार सिन्हा, ऑप्शन सी है जस्टिस सूर्यकांत, ऑप्शन डी है जस्टिस संजीव खन्ना। इसका सही उत्तर है जस्टिस संजीव खन्ना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिन के नाम है अबू लैस खान, अतीक खान, चंदेश्वर माझी, मोहम्मद तनवीर आलम, नंद कुमार सिंह, मोहम्मद साकिर हुसैन, छोटू राजा, रामबाबू दास, मोतीलाल कुमार, मुन्ना प्रसाद, प्रिंस कुमार, सोनू कुमार, रिंकी कुमारी, रवि मोहन वर्मा, नाथ साजन, नीतीश कुमार, रवि कुमार राम, संजीव कुमार शर्मा, राम सागर पासवान, कृष्णा प्रसाद, संजीव कुमार, राजा हीर किंग, नंदनी, विनय कुमार, रामनवमी मांझी, अंशु कुमारी, सुहानाली खान। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपने कभी मेट्रो से सफर किया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखना तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।